वीडियो स्टार्ट करने से पहले एनवीडिया गेम्स के बारे में बात करेंगे। इस एप्लीकेशन का लास्ट वीडियो में मैंने रिव्यू किया था, ये एक क्रैक वर्जन है तो इसका रिव्यू किया था। इसके साथ काफ़ी प्रॉब्लम आई है लोगों को, उसके लिए मेरे पास कमेंट्स आए थे। पहले उनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। कुछ कमेंट इसके रिगार्डिंग भी आए थे कि ये एप्लीकेशन अब जी फोर्स नाउ की एक्सेस मांग रही है, तो इसको कैसे क्या करना है। इसके लिए आप रिक्वेस्ट एक्सेस कर सकते हो, इसके बाद आप वेट लिस्ट में चले जाओगे, कुछ दिन के बाद आपको परमिशन मिल जाएगी। पर ये परमिशन कितने दिन में मिलेगी इसका कोई आइडिया नहीं है। जब मैंने इस एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम ट्राई किया था तो मेरे पास इस तरह का कोई सीन नहीं था, तो काफ़ी लोगों के मेरे पास कमेंट आए थे कि इसको लॉगिन करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने इसको पहले लॉग आउट किया और दोबारा से लॉगिन किया तो सेम प्रॉब्लम मेरे सामने भी आ गई है। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि ये कभी भी बैन हो सकता है क्योंकि ये क्रैक वर्जन है, तो ये अब शायद से बैन हो गया है। जिसने पहले लॉगिन कर रखा था उसका अभी भी चल रहा है। जिस डिवाइस से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये OnePlus 6 है, इसमें ये एप्लीकेशन पहले से लॉगिन थी और लॉग आउट नहीं किए मैंने, और इसमें ये ठीक से चल रही है पर इसमें नहीं चल रही है क्योंकि इसमें मैंने लॉग आउट करके दोबारा से लॉगिन किया है। तो अब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, हो सकता आगे कोई दूसरा क्रैक आए तो आप उसको ट्राई कर सकते हो। सो लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि ये बैन हो सकता है, तो एक बंदे ने कमेंट किया कि इस ओरिजिनल एप्लीकेशन का लिंक दे दो जिससे हम डाउनलोड वगैरह करके इसको चला लें। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड स्मार्टफोन के लिए नहीं बनी है, ये एनवीडिया शील्ड के लिए बनी है। एनवीडिया शील्ड भी एक एंड्रॉयड डिवाइस है और ये एप्लीकेशन और इस तरह की कुछ गेम्स सिर्फ उसी में चलती है, मोबाइल में नहीं चलेंगी। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिलती है, अगर आप इसके लिए प्ले स्टोर पर सर्च करोगे तो यहाँ पर शो नहीं करेगा इस एप्लीकेशन को। और ये यहाँ पर जो एप्लीकेशन है ये वाली मॉडिफाइड वर्जन है, इसलिए यहाँ पर चल रही थी डिवाइस में और ये इंस्टॉल भी हो रही थी, इसमें शो ही नहीं करेगा तो आप डाउनलोड कैसे करोगे। फिर भी आपका मन नहीं मानता है तो मैं बता देता हूँ कहाँ से आप इस एप्लीकेशन पर पहुँच सकते हो। इस एप्लीकेशन के ओरिजिनल लिंक के लिए आपको एनवीडिया गेम्स APK सर्च करना है, तो आपको यहाँ पर प्ले स्टोर का लिंक मिल जाएगा पहले पर ही। इस पर आप क्लिक करोगे तो प्ले स्टोर पर आ जाओगे। डायरेक्ट आप प्ले स्टोर पर सर्च करोगे तो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये सपोर्टेड ऐप नहीं है। प्ले स्टोर पर आपके डिवाइस में वही ऐप शो होती है जो आपके डिवाइस में सपोर्टेड हो। बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी गेम्स हैं जो आपके डिवाइस में शो नहीं होती क्योंकि वो आपके डिवाइस में सपोर्टेड नहीं होती हैं। ये सेम है जैसा मैंने TimePS2 के लिए 1-2 साल पहले बताया था, जिस डिवाइस में वो एप्लीकेशन सपोर्टेड नहीं होती थी तो उसमें वो शो भी नहीं होती थी। सेम इसका ये शो नहीं होगी आपके डिवाइस में। आप गूगल पर सर्च करके इस पर जा सकते हो और आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि आपके डिवाइस के लिए नहीं है। ये सिर्फ एनवीडिया शील्ड के लिए है और वही यूज़र इसको डाउनलोड कर सकता है जिसके पास एनवीडिया शील्ड है। जो एप्लीकेशन लास्ट वीडियो मैंने शेयर करी थी वो इसका क्रैक वर्जन था। आप ओरिजिनल ऐप को यूज़ नहीं कर सकते हो क्योंकि इसके लिए आपके पास परमिशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये एप्लीकेशन आपके डिवाइस में चल नहीं सकती है, ये चल सकती है पर डेवलपर आपको परमिशन नहीं देते हैं, क्योंकि अगर डेवलपर ऐसी परमिशन आपको देंगे तो उनका काफ़ी नुकसान होगा। क्योंकि अगर ऐसा किया तो कोई भी एनवीडिया शील्ड को नहीं खरीदेगा, हर कोई अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में इन गेम्स को चला लेगा। ऐसे ही रेजिडेंट ईविल 5 है, काफ़ी लोग मेरे पास रेजिडेंट ईविल 5 के लिए कमेंट करते हैं कि वो गेम एंड्रॉयड के लिए है तो कहाँ से डाउनलोड करें। वो भी एनवीडिया शील्ड के लिए है, वो भी इसी तरह से आप सर्च कर सकते हो पर वो डाउनलोड नहीं होगी आपके डिवाइस में और किसी भी तरीके से नहीं चलेगी जब तक कोई डेवलपर उसको एंड्रॉयड स्मार्टफोन के लिए डिज़ाइन नहीं कर देगा। मैं एक बार रेजिडेंट ईविल 5 भी दिखा देता हूँ प्ले स्टोर पर, इसके लिए आपको गूगल पर ही सर्च करना पड़ेगा। रेजिडेंट ईविल 5 के लिए भी मैंने सर्च कर दिया है तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको प्ले स्टोर पर। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है पहले से ही एनवीडिया शील्ड के लिए है, ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन है पर ये सिर्फ एनवीडिया शील्ड के लिए डिज़ाइन है, ये एंड्रॉयड स्मार्टफोन हार्डवेयर के लिए डिज़ाइन नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशन बड़ी बड़ी गेम्स हैं प्ले स्टोर पर जो आपको दिखाई नहीं देंगी क्योंकि आपका डिवाइस सपोर्टेड नहीं होता है उसके साथ। अगर डायरेक्ट प्ले स्टोर पर सर्च करोगे तो ये एप्लीकेशन आपको नहीं मिलेगी क्योंकि ये एप्लीकेशन तभी शो होंगी जब आपका डिवाइस सपोर्टेड होगा। रेजिडेंट ईविल 5 के लिए भी आपको काफ़ी लिंक मिल जाते हैं, यहाँ पर हैं, आपको APK डाउनलोड हो जाएगी, गेम की फाइल भी डाउनलोड हो जाएगी, पर ये चलने की कोई गारंटी नहीं है क्योंकि इनके अपडेट आते रहते हैं और अपडेट आने के बाद ये पुराने वाला वर्जन ठप हो जाता है। कई बार हो सकता है ये चल जाए, कई बार हो सकता है ये ना चले, इसमें सिर्फ आप डाटा ख़राब करोगे, इसको डाउनलोड मत कर लेना। लास्ट वीडियो में उस एप्लीकेशन को सिर्फ इसीलिए शेयर किया था क्योंकि वो छोटी सी एप्लीकेशन थी और साथ में मेरे को एक स्ट्राइक भी पड़ गई है चैनल पर, तो पता नहीं ये वीडियो अपलोड हो पाएगी या नहीं क्योंकि 2 स्ट्राइक है मेरे चैनल पर और अपलोडिंग का ऑप्शन शो नहीं करा है। पर मैं ट्राई करूँगा, अगर ऑप्शन आ जाता है तो मैं ये वीडियो आपको अपलोड कर दूँगा, आप इसको देख लेना। सो इसके रिगार्डिंग काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे तो मेरे को रिप्लाई करना पड़ा, तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को क्योंकि ये ज़रूरी था। काफ़ी लोग कन्फ्यूज थे, उन्हें पता नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं।
क्या चल गया। अगर वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो आप लाइक करें, अगर आपके लिए हेल्पफुल नहीं रही है तो आप डिसलाइक कर सकते हो। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी और समझाने की भी कोशिश करी थी उसमें कि वो बैन भी हो सकती है। इस वीडियो में स्पाइडरमैन वेब ऑफ शैडो गेम को ट्राई करेंगे वीवो Z1 प्रो डिवाइस के साथ। इसके लिए लगभग आधा साल से कमेंट आ रहे हैं इस गेम के लिए, पर मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि इसके लिए कोई भी स्टेबल एमुलेटर नहीं बना है। तो आप इसके लिए कोई भी स्टेबल एमुलेटर सर्च करने की कोशिश ना करें, आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए कोई भी एमुलेटर नहीं बना है, आप सिर्फ टाइम वेस्ट करोगे इसके लिए स्टेबल एमुलेटर ढूंढने के लिए। हम इस वीडियो में एक टेम्परेरी गेम प्ले करेंगे। इन सेटिंग्स के साथ ये गेम प्लेबल चल जाएगी, पर उस परफॉर्मेंस के साथ नहीं चलेगी जैसा ये डिवाइस चला सकता है। इसके लिए मैंने कुछ जो सेटिंग्स रखी हैं ये आप एक बार देख लो, वैसे ये कुछ ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहेंगी। एमुलेटर CPU क्लॉक स्पीड 40 पर रखी है, इस गेम के लिए 100% ज़्यादा बढ़िया रहेगी, पर 100% के साथ कुछ ग्लिच है। आधे सेकंड के लिए गेम 30 FPS पर चलेगी, आधे सेकंड पर हैंग हो जाएगी। तो इस तरह से लैग करके चलेगी तो कुछ फ़ायदा नहीं है। इसके लिए 40 सेलेक्ट करना पड़ेगा और 40 में ये गेम स्मूथ नहीं चलेगी, काफ़ी ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप होंगे। ग्राफिक सेटिंग्स में वीडियो बैकएंड में उल्कन है, इन सेटिंग्स का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस गेम पर, और मेरे को शो करनी पड़ेगी कि मैं कौन सी सेटिंग्स ट्राई कर रहा हूँ इस वीडियो में। रिजोल्यूशन 1x पर है, ये सब लगभग डिफ़ॉल्ट है, इनमें भी कुछ खास चेंज नहीं है। हैक्स में सारे सिलेक्टेड हैं हमेशा की तरह, एक ऑप्शन को छोड़ के GPU टेक्सचर डिकोडिंग, बाकी सब सिलेक्टेड है। अब एक बार ट्राई कर लेते हैं, देख लो कैसा चल रहा है इसमें। गेम की स्टार्ट मेन्यू में 30 FPS है, पर यहाँ तक आने में काफ़ी टाइम लगा इसको, 1 या 2 FPS पर चल रही थी स्टार्टिंग में। जो गेम की क्लिप है इसमें 30 FPS, अभी कभी कभार 20 हो रहा है, पर अगर मैंने 100 रखी होती यहाँ पर क्लॉक स्पीड तो एकदम स्मूथ होती। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर हो गई है 30 FPS, पर ये क्लॉक स्पीड इसके गेम प्ले टाइम पर काफ़ी प्रॉब्लम करती है। गेम की क्लिप अच्छे से चलेगी, गेम प्ले में इतना बढ़िया नहीं चलेगा। प्लेबल चल जाएगा, फुल स्पीड में चल जाएगा, पर फ्रेम रेट स्मूथ नहीं होगी, फ्रेम रेट काफ़ी कम होगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा लैग ही सा लगेगा। यहाँ पर वॉइस लैग रहेगी, तो इसको वॉइस लैग को कम करने के लिए वापस से हमें कम करना पड़ेगा। और ये बताना भूल गया था, इस वाले ऑप्शन को आप सिलेक्ट रखें, इसके लिए कंपलसरी है, इसके बिना तो ये 100% अटक जाएगी। यहाँ पर 25 के आसपास FPS है, कहने को ये प्लेबल चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, पर ये स्मूथ नहीं है, फास्ट चल रहा है पर ये स्मूथ नहीं है। इस तरह की लैग आपको देखने को मिलेगी। पर ये रैंडम लैग है, कई बार आती हैं कई बार नहीं आती हैं, और एवरेज फ्रेम रेट इसमें बता पाना मुश्किल है। ये वाली लैग है इसमें, नॉर्मल आप एक जगह खड़े रखोगे तो ये ठीक है, और इसको प्लेयर को भगाओगे तब लैग करने लग जाते हैं, पर ये थोड़ी देर के बाद और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा गेम, आगे जाके फ्रेम रेट बढ़ जाएगी। पर इस तरह की प्रॉब्लम आपको बार बार देखने को मिलेगी इस गेम में। ये एमुलेटर परफेक्ट ऑप्टिमाइज नहीं है, पर आप खेल सकते हो, लेवल चल जाता है। फ्रेम रेट आप नोटिस ना करें, वैसे 20 FPS के आसपास है, फ्रेम रेट आपको कोई आइडिया नहीं देगी इसके लिए। एमुलेटर ठीक से ऑप्टिमाइज होता तब तो मैं बोलता इसके लिए, ऑप्टिमाइज नहीं है तो फ्रेम रेट का कोई फ़ायदा नहीं है बताने का। गेम वैसे प्लेबल है, ठीक ठाक चल जाएगी, पर परफेक्ट नहीं कह सकते इसको।
विदाउट वॉइस लैग के खेलना है तो आप 40 पर रखें एमुलेटर सीपीयू क्लॉक स्पीड को। और जो लास्ट वीडियो में हमने एप्लीकेशन यूज़ करी थी उसके रिगार्डिंग कमेंट ना करें, मैं सोच रहा हूँ उसके लिए कोई और वीडियो नहीं बनाएंगे। उसके लिए मेरे को ऑलरेडी एक स्ट्राइक पड़ चुकी है, मैं नहीं चाहता हूँ कि चैनल बैन हो जाए। आजकल स्ट्राइक्स कुछ ज़्यादा ही पड़ रही हैं, जो इस कस्टम एमुलेटर के डेवलपर हैं उनको भी स्ट्राइक मिली है, जो ओरिजिनल एप्लीकेशन है डॉल्फिन की उसकी तरफ से, इसीलिए वो नए कस्टम एमुलेटर नहीं बना रहे हैं। और पुराने कस्टम एमुलेटर भी स्ट्राइक की वजह से ही हटे हैं, जो डेवलपर हैं कस्टम एमुलेटर के उनको भी स्ट्राइक मिल गई है ओरिजिनल वेबसाइट से, जो डॉल्फिन के ओरिजिनल डेवलपर हैं उनकी तरफ से स्ट्राइक पड़ी है। पहले तो बोलते हैं ओपन सोर्स हैं, बाद में उन पर कॉपीराइट स्ट्राइक लगा देते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है और किसी का भी करियर खराब करने पर तुले हुए लोग। गेम ठीक ठाक चल जाएगी आपके इस डिवाइस में, गेम की क्लिप्स में अधिकतर 30 FPS मिलेंगे, मेन प्रॉब्लम है गेम प्ले टाइम पर। अभी 15 के आसपास चल रहा है, हो सकता है जब आप इस गेम को ट्राई करो तो आपका 20 FPS पर चले, क्योंकि इसमें स्टेबल नहीं चलेगा गेम, कई बार ज़्यादा FPS पर चलता है कई बार कम पर। ये गेम वैसे प्लेबल है इस डिवाइस के साथ तो आप खेल सकते हो। इतनी वीडियो से आपको आइडिया हो गया होगा कि इस डिवाइस में ये गेम कैसा चलेगा। I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright.